हेलो फ्रेंड्स, रत्ना मिठाई के में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी बिना तेल के आम का अचार। इसे आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। क्या आपने आम के अचार में पानी डालकर बनाया है? तो आज हम आम के अचार में पानी डालकर बनाएंगे और ये बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप तेल खाना पसंद नहीं करते हैं, अचार में तेल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो आप इस तरीके से पानी वाला अचार बना सकते हैं। पानी का अचार बनाने के लिए ये मैंने 1 किलो देसी केरी ली है। ये देखिए, मैंने केरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है इस तरह से। अगर आपको बड़े पीस रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। मैं आपको एक केरी काट के भी दिखाती हूँ। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कच्ची केरी होना, आप थोड़ी सी इस तरह से पकी हुई है वो भी इसमें चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसे काट लें और इसे हम एक जैसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से काट लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सभी केरी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अचार के मसाले के लिए ये मैंने नीरज का अचार का मसाला लिया है, कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये 1/2 किलो मसाले का पैकेट है। एक बड़ी थाली में हम मसाला निकाल लेते हैं। पानी वाला अचार थोड़ा मीठा होता है, तो इसमें हम 1/2 कप के करीब शक्कर डालेंगे। अभी कम शक्कर डाल रहे हैं, अगर हमको ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें शक्कर और डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो ये मैं पूरा इसमें अभी 1 कप पानी डाल रही हूँ और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अभी ये सूखा ही है तो हम इसमें 1 कप पानी और डाल देंगे। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके आप डालें। अभी भी मुझे इसमें पानी कम लग रहा है, तो इसमें 1 कप पानी हम और डाल देंगे। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके डालें। मैंने टोटल इसमें 3 कप पानी डाला है, मतलब इसमें मुझे 600 ml पानी लगा है। आप इस मसाले को एक बार टेस्ट कर लें, अगर आपको इसमें कुछ कम लग रहा है तो आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो मुझे इसमें थोड़ी सी हींग कम लग रही है, तो मैं इसमें 1/4 चम्मच हींग डालूँगी और 1 कप शक्कर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें केरी डाल देंगे। पानी वाला अचार थोड़ा सा मीठा होता है, तो इसमें मैंने इसलिए शक्कर ज़्यादा डाली है। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें शक्कर डालें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मैंने अचार को मिक्स कर लिया है और ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा आया है। इसे हम कांच की बॉटल में स्टोर करके रखेंगे। आप चीनी के बर्तन में भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे प्लास्टिक के बर्तन में बिल्कुल भी नहीं रखें। अगर आप प्लास्टिक में रखेंगे तो इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और ये ख़राब भी हो जाएगा। इसे हम कॉटन के कपड़े से इस तरह से बांध देंगे और इसके ऊपर आप कोई भी प्लेट या चीनी की प्लेट रख दें। ये देखिए, अचार का कितना अच्छा कलर आया है।
मैं इसमें थोड़ा सा तेल भी डालूंगी। अगर आप तेल नहीं डालना चाहते, अवॉइड करते हैं तेल को, तो आप इसमें तेल नहीं डालें। ये मैंने 100 ग्राम तेल लिया है और इसे हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, मतलब बिल्कुल इसे हमें ठंडा करना है। अचार में हम तेल डाल देंगे। तेल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, आपको इसमें गरम तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप गरम तेल डाल देंगे तो जो कांच की बर्नी है उसमें क्रैक आ जाएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम फ्रीज में रख लेंगे, मतलब इसे हम फ्रीज में रखेंगे तो इसका कलर भी ऐसा ही रहेगा और अचार भी ख़राब नहीं होगा। अचार को आप 12 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन आप इसे फ्रीज में रखें। ये देखिए अचार का कलर कितना अच्छा आया है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप तेल को अवॉइड करते हैं तो आप इस तरीके से पानी वाला अचार भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। इसे हम वापस कॉटन के कपड़े से पैक कर देंगे। आप चाहें तो इसका ढक्कन भी लगाकर इसे फ्रीज में रख सकते हैं।